महालेखाकार उत्तर प्रदेश की संस्तुतियों के क्रम में जो कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड है उसका सृजन करना। मैं थोड़ा समझा देता हूं इसको थोड़ा सा। जो ये कंसोलिडेट सिंकिंग फंड है ये फाइनेंस कमीशन, अकाउंटेंट जनरल, आरबीआई सबका ये आग्रह ही नहीं है, मतलब एक तरह से जब आग्रह करते हैं तो माना जाता है कि करना ही करना है। ये हर 24 और उत्तराखंड मतलब 25 राज्यों में लागू है। उत्तर प्रदेश में ये लागू नहीं था, इसको लागू किया जा रहा है। इसके अंदर जो आपका आउटस्टैंडिंग डेट लायबिलिटी होती है, जो जितना देना होता है राज्य को, उसके साल के अंदर या साल के अंतिम में जब आते हैं तो उसके आधार पर कि हमें 10,000 करोड़ देना तो उसका 1.5% ये सिंकिंग फंड में जाएगा। इससे होता क्या है, जब आप इन्वेस्टर्स बॉन्ड लेकर आते हैं या इस प्रकार की योजनाएं लेकर आते हैं तो जो निवेशक होता है उसको कॉन्फिडेंस होता है ये जो पैसा उसका डूबेगा नहीं, यहां से उसको वापसी भी मिल जाता है, एक तरह से रिजर्व फंड है। तो ये लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर लगभग जो राज्य सरकार की तरफ से 2,500 से 3,000 करोड़ का व्यय भार आएगा इस पे, जो अंदाजा है उसके हिसाब से 2,500 से 3,000 करोड़ का रहेगा। और इससे आप मतलब एक्स्ट्रा लोन या इन्वेस्टमेंट्स और भी ले सकते हैं, ये एक अच्छी फाइनेंशियल फैसिलिटी है जिसको लेकर आ रहे हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है जो समूह ख और समूह ग जो राज्य संपत्ति विभाग है उससे संबंधित है, इसकी सेवा नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। इसके अंदर जो 2014 में वित्त विभाग के माध्यम से कहा गया था कि जितने भी नियुक्ति अधिकारी होने चाहिए, नियुक्ति अधिकारी नहीं होगा तो इन लोग तो योगी कैबिनेट के अहम फैसले के बाद करेंगे।